नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुनैना सिंह। पिछले कुछ सालों में भारत की संस्कृति और हिंदू धर्म पर पूरी दुनिया जिस तरह से कायल हो रही है, वो इस्लामिक कट्टरता की सोच रखने वाले कट्टरपंथियों के गले नहीं उतर रही। भारत पहले ही दुनिया को योग का गुरु सिखा कर योग गुरु बन चुका है और आज पूरी दुनिया एक साथ एक मंच पर भारत के लाए योग को मना रही है। तो वहीं भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म के रीति रिवाजों से जुड़कर अध्यात्म और तरक्की की तरफ आगे बढ़ रही है। आज हर देश भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, जिसमें अमेरिका ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए हिंदू अमेरिकी समुदाय के योगदान को सम्मान देते हुए अक्टूबर को आधिकारिक रूप से हिंदू विरासत माह घोषित किया है। अमेरिका के जॉर्जिया राज्य से मिले इस सम्मान से इस्लामिक कट्टरपंथियों की नींद तो जरूर हराम हो जाएगी। भारत और हिंदू धर्म को दुनिया में बदनाम करने की साजिश रचने वाले कट्टरपंथियों ने हिंदू फोबिया के नाम से अमेरिका में ट्रेंड चलाने की कोशिश की थी, जिससे अमेरिका में रह रहे हिंदुओं को परेशान किया जा सके। लेकिन इस साजिश का मुंह तोड़ जवाब देते हुए खुद अमेरिका ने इस पर फुल स्टॉप लगा दिया और अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह का नाम दे दिया। इसके साथ ही जॉर्जिया राज्य इस तरह का विधायी प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य बन गया है। ये अब इस्लामिक कट्टरपंथियों को जरूर समझ में आ गया होगा। गवर्नर ब्रायन कैंप ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि हिंदू विरासत को उसकी संस्कृति और भारत में निहित विविध आध्यात्मिक परंपराओं को ध्यान में रखते हुए मनाया जाएगा। हिंदू अमेरिकी समुदाय ने जॉर्जिया के लोगों के जीवन को समृद्ध बनाकर राज्य की जीवन शक्ति में जबरदस्त योगदान दिया है। वहीं CHN यानी कायलेशन ऑफ हिंदूज ऑफ नॉर्थ अमेरिका ने भी जॉर्जिया राज्य के इस कदम का स्वागत किया और हिंदू समुदाय को सम्मान देने के लिए गवर्नर कैंप का आभार व्यक्त किया। CHN समूह ने सोशल साइट एक्स पर लिखा कि ये हिंदूज ऑफ जॉर्जिया के हमारे दोस्तों के अथक समर्पण से संभव हुआ है। हिंदू धर्म ने अमेरिका के सांस्कृतिक परिवेश में महती योगदान दिया है। हालांकि इसी साल की शुरुआत में जॉर्जिया में हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए कट्टरपंथियों ने अमेरिका में हिंदू फोबिया का जाल बिछाने की कोशिश की थी, जिसके जवाब में जॉर्जिया विधानसभा ने हिंदू फोबिया की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। हिंदू फोबिया और हिंदू विरोधी कट्टरता की निंदा करते हुए प्रस्ताव में कहा गया था कि अमेरिकी समाज के सांस्कृतिक ताने बाने को समृद्ध करने और लाखों अमेरिकी लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में हिंदू समुदाय के योग, आयुर्वेद, ध्यान, भोजन, संगीत और कला का बड़ा योगदान है। हिंदू धर्म को कट्टरता से जोड़ने वाले कट्टरपंथियों को अमेरिका के इस कदम से मिर्च तो जरूर लग गई होगी, क्योंकि इस्लामिक कट्टरता के खिलाफ दुनिया के कई बड़े देश एक एक करके इस्लामिक कट्टरता की सोच पर लगाम जो लगा रहे हैं, तो वहीं भारत की संस्कृति को अपना कर अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे हैं। इस्लामिक कट्टरता की सोच के खिलाफ कई देशों ने पिछले कुछ वक्त में कड़े कदम उठाए हैं, जिसमें बुर्का, नकाब, अबाया और खुले स्थानों पर नमाज अदा करने पर बैन तक लगा दिया है। तो वहीं हिंदू संस्कृति में आने वाले योग, आयुर्वेद, ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले कट्टरपंथियों को शायद अब ये बात समझ में आ रही होगी कि हिंदू धर्म की जड़ें कितनी मजबूत हैं। ये 1500 साल पहले आए इस्लामिक कट्टरता के अनुयायियों को पता चल भी गया होगा और ये भी समझ में आ गया होगा और सदियों पुराने हिंदू धर्म के आगे ऐसी घटिया साजिशें कहीं टिक नहीं सकती। इस खबर पर क्या है आपकी राय, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर खबर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।